नवरात्रि का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, श्रावण का महीना हो, किसी भी प्रकार से आप शिवलिंग की पूजा करें तो दिशा का ध्यान रखें, मंत्र बोलने का ध्यान रखें, जल चढ़ाने का ध्यान रखें, चंदन लगाने का ध्यान रखें, अक्षत लगाने का ध्यान रखें, फूल चढ़ाने का ध्यान रखें और धूप दीपक जब दिखाएं, आरती करें, कभी भी किसी दीपक में बत्ती लगाएं, किसी दीपक में घी डालें, किसी दीपक को माचिस से जलाएं, किसी दीपक को दिखाएं, दीपक को हाथ लगाएं, यानी दीपक का कोई भी कर्म यदि मनुष्य के शरीर से हो रहा है तो शास्त्र कहता है, संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, हस्तो प्रक्षालय। दीपक का कोई भी काम करते समय हाथ जरूर धोना चाहिए, याद रखना। दीपक का कोई भी कर्म करे तो हाथ पे, सीधे हाथ में थोड़ा जल डाल करके फिर आगे की पूजा करनी चाहिए, ठंडी याद रखना। और जब आरती का समय आए भगवान का करने का, तो एक बात का ध्यान रखना, कोई तुम्हें बताएगा नहीं। अरे छोटी छोटी भूल, अज्ञानता से की गई पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। कभी भी भगवान की आरती करो तो दीपक जलाना, पर धूप बत्ती और अगरबत्ती से कभी भी आरती नहीं करना। आरती में धूप का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आरती में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आरती दो ही चीजों से होती है, या तो प्रकाश जल दीपक हो, घी का दीपक हो, या कपूर हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। धूप ना जलाए, इस तरह से पूजा करे। और शिवरात्रि का व्रत करने वाला, शिवरात्रि की पूजा करने वाला शिवजी के मंदिर में लाल आसन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवरात्रि की ये कथा जरूर सुनना चाहिए।